अब देखो, अभी एक रिपोर्ट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये शब्द इसके इस्तेमाल हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को जानना जरूरी है। और जरूरी भी इसलिए बन जाता है क्यों, क्या क्या चीज़ें जो है जरूरी है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये माधव गडगिल रिपोर्ट, और जरूरी इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र का रीजन देखो और नीचे वाले इलाके देखो, तो वहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है। जिस तरीके से पहाड़ों को काट के और हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, एग्रीकल्चर ये सब में लगे पड़े हैं, तो जो जो रीजन है पूरे तरीके से डैमेज हो रहा है, और उसके रिपरकशन या फिर उसका जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो माधव गडगिल रिपोर्ट 2011 के अंदर आई थी, तो उस रिपोर्ट ने बातें बोली थी, अगर वो रिपोर्ट हम इम्प्लीमेंट करने लेते तो काफ़ी कुछ हो सकता था, लेकिन अब वो करना ही तो मुश्किल। अब आप खुद सोचो कि यही स्थिति विश्व में भी है। जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, अमेजन फॉरेस्ट को बोलते हैं कि वो पूरे अर्थ के लंग्स हैं, मतलब फेफड़े हैं, जो कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन और इस सब में हेल्प करते हैं। जंगल जो पेड़ हैं और यही सब तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप सारे पेड़ काट लो तो कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन लाओगे, अब सिलेंडर लेके कहाँ तक तो घूम लोगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब जैसे एक इटालियन, जब कोरोना का समय आया था तो उसमें एक इटालियन बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, तो वो बड़ा बिजनेसमैन जो है उसको कोरोना हो गया। अब वो मतलब ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था, तो जब वो बड़ी मुश्किल से रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद उसने कहा कि अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि ये पेड़ों की कीमत क्या है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ों से ऑक्सीजन आता है और फ्री का ऑक्सीजन होता है, और वो जो ट्रीटमेंट है उसके पता नहीं कितने खर्चा हो गया था उसमें। तो उसने कहा कि इनके इनकी इंपॉर्टेंस मुझे पता चली। अब वो बिजनेसमैन रहा होगा, अब उसके मन में आया होगा कि मैंने कई पेड़ और काट के जम के बड़ी कोई बिल्ड कोई कुछ खड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया होगा। अब यह क्या है कि जो टेंडेंसी हमारी बन रही है ना, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है, अब उसमें वहाँ की सरकार ब्राज़ील वाली ही ले लो आप, ब्राज़ील को लगता है कि यार मैं इतना बड़ा जंगल खड़ा किया हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, अब दूसरे तो ऑक्सीजन उनको मिल रहा है, मुझे क्या फ़ायदा, तो जंगल काट रहे हैं, जंगल काट के इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेट कर रहे हैं। अब आप सारे जंगल काट के इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना दोगे तो कैसे सर्वाइव होगा। अब वो लीडर लीडर जो है ना, अब जैसे वो लीडर्स के एम्बिशन पे भी होता है और लोगों के भी उसमें रहता है, लोग भी चाहते हैं कि क्योंकि इसका रीज़न भी है ना कि मैटरियलिस्टिक ग्रोथ पे भी फोकस रहता है कि मैं, और मतलब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि वहाँ पे जंगल है या कुछ इस टाइप से, तो हमें लगेगा कि यार ठीक है वो जंगल भी होगा तो उसमें भी फिर ज़्यादा दिन तक हमें ठीक नहीं लगेगा, वहाँ पे भी फिर कोई ना कोई लेवल पे जो हम पैसा है वो जनरेट करने की कोशिश करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, माधव गडगिल रिपोर्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स नोट कर लेना, हो सकता है इस बार मेंस में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, रिपोर्ट ने रिकमेंड किया है कि जो वेस्टर्न घाट का इलाका है 64%, देखो रिपोर्ट ने क्या कहा है कि ये कंटेंट दिख रहा है एक बार कमेंट सेक्शन बता देना। देखो, इसने कहा है कि 64% जो वेस्टर्न घाट का रीजन है उसको आपका लगभग उसको डिवाइड करेंगे ESJ1 मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2 और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 3 में डिवाइड हम करेंगे, और है ना। तो ध्यान समझो कि क्या बोला गया कि देखो, जो वेस्टर्न घाट का इलाका है जो 6 states में फैला हुआ है, उसमें उसमें है ना, एक एक रिपोर्ट की हर एक जो लाइन है ना उसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न बढ़िया इसमें बनेगा, ये इसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि इस बार के मेंस में जरूर से इसमें प्रश्न आ सकता है, देखो है ना। तो जैसे ये क्या कहा गया कि जैसे ये आपका वेस्टर्न घाट है, दिस इज वेस्टर्न घाट, 6 states में है, तो इसने क्या कहा, जो माधव गडगिल रिपोर्ट ने क्या कहा कि जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में 64% रीजन जो है 64% उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3 में डिवाइड किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन रिस्ट्रिक्शंस और उस बेसिस में। तो जनरली मान लो कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, उस प्रोटेक्टेड एरिया के बफर के रूप में, जैसे मान लो ये प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके बफर के रूप में इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, बफर के रूप में जो है वो आपके ये जोन्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बनाए। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि लगभग 64% आपका एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3 में आपका किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जितने भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट, डैम्स का कंस्ट्रक्शंस, जितने भी ऐसे सिमिलर प्रोजेक्ट
हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया, इसको भी समझो, सेकंड पॉइंट को समझो, इसको लिख लो कि देखो सेकंड पॉइंट में क्या कहा, कमिटी ये कमिटी ने कहा कि देखो इसमें जैसे तीन जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1, 2 और 3। अब इसमें क्या है कि पहला इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1, इस सेंस इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 में कहा गया कि जितने भी जैसे माइनिंग है, माइनिंग डैम कंस्ट्रक्शन या जैसे और जो भी प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट जिनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, मतलब उनकी लाइफ सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, उनको क्या किया जाए, बैन किया जाए। कहाँ पे, जिस भी एरिया को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 के रूप में डिक्लेयर किया गया है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 के रूप में जिस एरिया को डिक्लेयर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि माइनिंग एक्टिविटी, डैम, ये तो ये रिकमेंडेशन आपका माधव गडगिल रिपोर्ट की आपकी जो है वो रखी गई है। गोवा के लिए कहा गया कि जैसे गोवा की स्पेसिफिकली आप देखोगे, जो गोवा का रीजन है, तो गोवा के रीजन के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि जैसे गोवा में जो रिपोर्ट है उसमें उसमें कहा गया कि न्यू एनवायरनमेंट क्लियरेंस माइनिंग के लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 और 2 है ना, तो मतलब इसमें रोक लगाई जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो माइनिंग है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 में 2016 तक, उस पर धीरे धीरे जो है रोका जाए। तो देखो इधर मतलब ऐसा स्टेट वाइज नहीं चलना, बट आप ये समझो कि गोवा में भी ये बात बोली गई है कि आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस, जो नए एनवायरनमेंट क्लियरेंस है, उस पर रोक लगानी है, और धीरे धीरे जहां जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 है, जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे आपको हटाना है। फिर देखो महाराष्ट्र के लिए भी इन्होंने बोला है, महाराष्ट्र में भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है जिसमें कोल बेस्ड पावर प्लांट्स भी हैं, वो परमिट यहाँ नहीं किया जा सकता है। ये भी चीज़ आपकी कहा गया, तो मतलब कहा गया कि किसी भी प्रकार की जो पॉल्यूटिंग, नई पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो लेकर नहीं आना है। मतलब जो भी इंडस्ट्री पोल्यूशन कॉज करेंगी, उनको इस रीजन में आने नहीं देना है। ये भी कहा गया क्योंकि इन डिस्ट्रिक्ट में एनवायरनमेंट पर बहुत अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ा हुआ है, तो ये महाराष्ट्र के लिए बोला। फिर आपका इवन क्रॉप्स के लिए बोला कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ये भी अलाउ नहीं करना चाहिए। देखो जीएम क्रॉप्स जिसे हम कहते हैं, आज के समय में ये भी एक बिजनेस है। जैसे मान लो आपके, आप देखोगे अपने बड़े बुजुर्गों से बातें करोगे ना, तो चावल का ही आप एग्जांपल ले लो, चावल के पता नहीं हजारों वैरायटीज हुआ करती थी। अब क्या है कि नए नए बड़े देखने में सुंदर सुंदर चावल आते हैं, देखने में लगेगा यार कितने बढ़िया चावल हैं देखने में, लेकिन असल में वो चावल देखने में तो बढ़िया है, लेकिन वो उनके न्यूट्रिशन इतने अच्छे नहीं। बट पुराने जो चावल होते थे, भले वो देखने में ऐसे ना, बट उनका एक तो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती थी, प्लस आपके पास डाइवर्सिटी रहती थी। अब क्या हो रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जैसे एक एग्जांपल लो, अभी DMH11 मस्टर्ड वैरायटी है, उसको अप्रूव किया गया था कि इसका धीरे धीरे हम कमर्शलाइजेशन की तरफ जाएंगे, तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। स्टडी क्या कहती है, स्टडी कहती है कि देखो DMH11 जो कि एक मस्टर्ड क्रॉप है, उसका जो फूल है, फूल मतलब फ्लावर, ठीक है, तो वो उसका जो फ्लावर है, अब वो फ्लावर मतलब जो भी चेंजेस आपने किए हैं, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और इंसेक्ट नहीं आएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर आप जानते हो कि बीज बनेंगे नहीं, फल बनेंगे नहीं। तो ये ऐसे तो कई प्रकार के नेगेटिव इंपैक्ट जीएम क्रॉप्स का है। और जीएम क्रॉप्स का देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आएंगे ना, उसका क्या आपके, आप उसका जो भी है उसको खाओगे, आपके शरीर में क्या असर पड़ता पता नहीं। प्लस ये भी है कि बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी हो जाएंगी, है ना, वो बोलेंगी कि हमारे जीएम क्रॉप्स में ये है, जिम में जीएम क्रॉप खाओ जो है ना, तो इस टाइप से इस जीएम क्रॉप से ये होता है वो होता है, मार्केटिंग जम के कर देंगे, लैपटॉप मोबाइल फ़ोन हर जगह पे इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो जाएगी कि आपको लगेगा यार जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर क्रॉप मैंने नहीं खाया तो मतलब मेरा जीवन जीवन खराब हो जाएगा, ठीक है, तो अगर मैं खाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तो इस टाइप का थिंकिंग कर दे, मार्केटिंग से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे समझो। फिर उसके बाद कहा गया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स परमिट नहीं होने चाहिए, नए हिल स्टेशंस भी नहीं होने चाहिए। अभी हिल स्टेशंस के नाम पे पूरे हिल की क्या हालत करते हैं आप खुद देख लो, है ना, रिजॉर्ट और ये वो जहाँ जगह मिली उधर ही कहीं मैगी पॉइंट बन रहा है, कहीं रिजॉर्ट बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, खाली जंगलों में लोग जो है कैंप लगाने पहुंच गए, वहाँ कैंप जंग है ना, जानवर वानवर को जगह ही नहीं, कहाँ रहे बेचारे। आजकल जो सबसे जानवर है जो थोड़ा सा इधर उधर इंसानों के आसपास रहना शुरू कर रहा है, वो तेंदुआ है, लिपर्ड है, वही थोड़ा इधर घूमता है, बाकी तो शर्मीले जानवर होते हैं, उनको बेचारों को जगह नहीं मिलता, वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आप ये समझो कि आप हम तो बात करते हैं कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, असल में एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट भी तो हो गया। अब एक सोचो बड़ा सा जंगल है,
शेर एक राजा होता है जंगल का, अब वो जंगल में अपना एरिया मार्क करता है कि ये मेरी टेरिटरी है, ठीक है, तो वो मार्क करता है, उसका तरीका होता है, वो मार्क कर देगा, दूसरा शेर वहां आ नहीं सकता, आया तो फिर वो लड़ेंगे, अब क्योंकि उसको लगेगा मेरे राज्य में कैसे आ गया। तो इससे क्या हो रहा है कि हो क्या रहा है कि आपका एरिया श्रिंक हो रहा है, मतलब हम तो हर जगह पूरे जोश के साथ बिल्डिंग और ये सब बनाते जा रहे हैं, तो जंगल का एरिया रिड्यूस हो रहा है, तो जानवरों के लिए जगह कम हो रही है, तो जानवरों के लिए जब जगह कम हो रही है तो आपस में जानवर भी लड़ रहे हैं, मतलब हम ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट तो बात करते हैं बट एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब ये भी स्थिति बन गई है, अब एनिमल एनिमल कन्फ्लिक्ट जैसे ही बन गया है तो फिर आप इमेजिन करो कि फिर उसका इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत हाई होगा। तो नए नए हिल स्टेशन अब बनेंगे इतने इंसान की प्रेजेंस, मैं आपको बताऊं डलहौजी जगह है, डलहौजी जगह है कि वहाँ पे आई ऑल्सो वेंट, मतलब कुछ समय पहले की बात है, तो उसमें एक जगह पर आउटसाइडर एरिया में आई वॉज स्टैंडिंग देयर, तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ देखा कि वो भालू घूम रहा है, भालू मतलब आप जानते होंगे काले कलर का, वो घूम रहा है, तो मतलब आई वेंट इनसाइड क्योंकि पहली बार ही देखा था इस टाइप से, तो फिर ऐसी बात हो रही थी, तो वो कहता है कि वो भालू जो है ना हमारे होटल में जो वेस्ट मटेरियल हम फेंक देते हैं नीचे साइड को, क्योंकि वो ऊपर था, तो बोले जो हम वेस्ट मटेरियल नीचे की तरफ फेंक देते हैं उसको खाने आता है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है ये, बड़ी बात का मतलब कितनी शर्म वाली बात है कि वो जो भालू है जिसको मतलब जो बियर है, अब वो आपके वेस्ट मटेरियल आपका जूठी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जिसे खाना पसंद नहीं उसे खाना पड़ रहा है, क्यों खाना पड़ रहा है, बिकॉज उसकी जो खाने पीने की जगह है रहने की जगह है वहाँ पे हम प्रेजेंट है। तो ये सब चीज़ें देखो क्या है, तो दूसरा ये माधागढ़ गिल रिपोर्ट ने यही सब बातें बोली है। फिर कहा गया कि देखो जो लैंड यूज आप चेंज कर रहे हो, फार्म को नॉन फार्म लैंड पे कन्वर्ट कर रहे हो, कि देखो ना आज के समय में जयपुर का ही एग्जांपल ले लो, आपको आगे आगे चले जाओ वहाँ पे खेत हैं, अब उसमें पहले ही पूरा फार्मर से और इन सब से बात करके और वो फिर उस एरिया को खरीद लेंगे, खरीद करके फिर इधर उधर से बातचीत करके एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करके बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट डाल देंगे, लोग वहाँ खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे बस। तो ये चीज़ें देखना जरूरी, अब इसका रूल बना दो कि यार कोई ज़मीन खरीद रहा है तो उससे इससे ज़्यादा ज़मीन ना खरीदे, तभी तो होगा, नहीं तो लोग तो खरीदते चले जाएंगे, ये भी एक चीज़ है। फिर रिवर्स का है, रिवर्स का डाइवर्जन, तो नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी के पानी को आप डाइवर्ट कर दोगे तो जहाँ पानी नहीं था वहाँ पानी आ जाए, और जहाँ पानी होना चाहिए था वहाँ पानी नहीं है, तो पूरा रिवर की इकोलॉजी अफेक्ट होगी। तो ये भी जो है माधागढ़ गिल रिपोर्ट ने कहा कि ऐसा भी नहीं है पब्लिक लैंड को प्राइवेट लैंड में कन्वर्ट करना, क्योंकि प्राइवेट में कोई भी चीज़ कन्वर्ट होती है तो उसका सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट की तरफ ही फोकस किया जाता है। तो माधागढ़ गिल रिपोर्ट ने ये बात भी बोली है। फिर यहाँ पे कहा गया बॉटम टू टॉप अप्रोच की तरफ जाना, मतलब लोकल बॉडीज, लोकल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, उनका रोल है। देखो अगर आप हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की भी बात करो ना, अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि हमने अपना जो सोच है, वैल्यू सिस्टम है, वो उन मतलब जो मेटरलिस्टिक थिंकिंग है उन तक भी पहुंचा दी है। क्यों? क्योंकि देखो पहले उनकी जो सर्वाइवल था वो नेचर के साथ था, बट हमने अपना प्रेजेंस इतना इंक्रीज कर दिया, हमने अपने वैल्यू सिस्टम, हमारी मेटरलिस्टिक थिंकिंग उन तक पहुँचा दी है कि अब वहाँ भी आप कह सकते हो कि जो अप्रोच होना चाहिए वो नहीं होता। तो जनरली क्या है कि अगर हमें किसी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि जो लोकल लोग हैं, लोकल कम्युनिटी, उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ाना चाहिए। और इन्होंने फिर ये भी कहा गया कि एक इट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक वेस्टर्न इकोलॉजी अथॉरिटी का गठन भी जो है करना चाहिए। फिर फर्दर इसने कहा वेस्टर्न घाट के अंदर कि जो कमर्शियल क्रॉप्स है, टी है, कॉफ़ी है, आपका रबर, बनाना, पाइनएप्पल, ऐसे जो है उनको आपको रोकना चाहिए। अब जनरली आप कभी घूमने जाओ या देखने जाओ, अब देखो मान लो पहाड़ है, ठीक है, अब उस पहाड़ में बड़े बड़े पेड़ हैं, अब बड़े बड़े पेड़ों का रोल क्या होता है, जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को रोक लेती हैं, तो बारिश अगर आएगी तो मिट्टी बहेगी नहीं, अगर मिट्टी नहीं बहेगी तो लैंडस्लाइड नहीं होगी। अब हमने क्या किया, हमें क्या है हमें यार ये पेड़ काटना है, पेड़ काट दिए, काट के आपने टी कॉफ़ी ये सब लगा दी, अब वो इतने मजबूत नहीं होते, तो पहली चीज़ तो आप वो स्लोप डैमेज करोगे, प्लस वो जो जड़ें हैं होती हैं पेड़ों की जो कि होल्ड करके रखती हैं वो नहीं, वो उतना मजबूत नहीं होती है, साथ में पूरा इकोलॉजी डैमेज होगी। अब चाय पीने और कॉफ़ी पीने थोड़ी ना जानवर जाएंगे वहाँ पे, तो आपने क्या किया वहाँ पे पूरा का पूरा जो इकोलॉजी है उसका फ्रेगमेंटेशन कर दिया। तो इसलिए भी इन्होंने मना किया कि ये सब भी करना नहीं जो है होना चाहिए। तो फिर कहा गया सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ जाना है, बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन की तरफ हमें
प्रोसीड नहीं करना है, इस पर भी बातें आपकी बोली गई, ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट जो है किया गया। फिर कहा गया कि मिनिस्टर मतलब पैनल ने क्या कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है टू टेक क्रिटिकल स्टेप जिसमें सिटीजन्स को इंक्लूड किया जाए। अब देखो यही चीज़ें हैं, अब आप देखो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, आप सोचो कि देखो आज की जनरेशन है, मान लो जिनका जन्म अभी आसपास के टाइम पीरियड में हुआ है, अब हम क्या उनको सिखा रहे हैं, क्योंकि बाद में वही लोग लीडर बनेंगे, अगर उनके अंदर एनवायरमेंटल इथिक्स नहीं है, मतलब हमारे अंदर नहीं है, तो हम वही वैल्यू उनको सिखाएंगे। मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब में कोई दिखा रहा है देखो मेरे पास ये गाड़ी है, वो मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास ये है, उसी को लोग देखेंगे, फिर उनका रहेगा यार मेरे भी गाड़ी हो, बंगला हो, 5 किलोमीटर का घर हो, उसमें मैं घर में ही अपने खो जाऊं, और इस टाइप का जो भी है वो इस टाइप का होना चाहिए। तो ये क्या मेटरलिस्टिक थिंकिंग डेवलप हो रही धीरे धीरे, मोबाइल फोन में ये सारा बच्चा देख रहा है समय, तो आगे जाके यही मेटरलिस्टिक थिंकिंग उसके आगे भी होगी, क्योंकि हर जगह मेटरलिज्म को ही अप्रिशिएट किया जाएगा, इसके इतना घर है, इतना बंगला, इतनी गाड़ी है, उसी से उसको फुल इज्जत मिलती है, तो उसे लगेगा यही जीवन में वो है। कोई आदमी अच्छे विचार रखेगा, एक अपना वैल्यू सिस्टम के साथ काम करेगा, वो उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हर एक कार्य को किया जाएगा जिससे कि पैसा जनरेट हो, और हर चीज़ को देखा जाएगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा, कैसे ये देख के क्या ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। देर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या कहती है, डीप इकोलॉजी कंसेप्ट कहता है कि कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं इम्पॉर्टेंट है बेसिकली हम कैसे कंसिडर करते हैं। मतलब मान लो इकोलॉजी है, अब इकोलॉजी में कोई है उसको वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नहीं इम्पॉर्टेंट, हम ये देखते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, मतलब इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, अगर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। डीप इकोलॉजी कहती है आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है भले आपके लिए इम्पॉर्टेंट ना हो लेकिन वो इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस थिंकिंग को बहुत डेवलप करना जरूरी है कि जब आप उस इकोलॉजी के जो है के लेवल को हम समझें। अब जनरली क्या होगा, आपने क्या किया, मतलब एक जगह करोड़ों रुपए खर्च करके घर ले लिया, पूरा जंगल उंगल साफ करके वहाँ घर बना, आपने खरीदा, आपको देखा देखी में 10 लोग और खरीद लिए, तो पूरा जंगल साफ, और अब फिर आप अपने घरों में छोटे छोटे पौधे पेड़ लगा रहे हो, फिर हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ देखो हम इकोलॉजिकल पर्सन हो गए। तो ये थोड़ा सा देखना है कि हमें ये समझना है कि हमें बहुत सेंसिटिव होना है कि यार मैं जहाँ भी मेरा जो रहने की जगह है जो भी है कुछ इस प्रकार से हो कि हम इकोलॉजी को भी रिस्पेक्ट दें, ऐसा हमको देखना है। फिर क्या है, नए सेटलमेंट पैटर्न जो डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि देखो लोग अब रियल इस्टेट बिजनेस है तो उनको तो क्या है, उनको तो जम के जहाँ भी मौका मिलेगा वो बना देंगे, है ना, वो पहाड़ को उल्टा करके और नीचे से घर बना के और कहेंगे उल्टा पहाड़ फेसिंग घर, कुछ भी बोल के कर देंगे, है ना, नदी के किनारे एकदम घर बना देंगे और बोलेंगे नदी फेसिंग हाउस, है ना, कीमत इतने करोड़ रुपए, हमें लगा ठीक है नदी फेसिंग हाउस, अब वो नदी फेसिंग हाउस है, अभी नदी आपके घर के अंदर बैठ जाएगी आके, क्यों, क्योंकि नदी के एरिया का जो फ्लड प्लेन एरिया वहाँ पे आपका घर बना हुआ है, फिर कहोगे फ्लड, ये सारी चीज़ें हो रही है ना आज के समय में, ये दिक्कत है, तो ये थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो यहाँ पे इन्हीं बातों पर चर्चा की गई माधव गडगिल रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुई होगी। सेशन लाइव देख रहे हो, लाइव बटन जरूर से प्रेस करना, मेंस का क्वेश्चन मैं भी आपको देता हूं। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जरूर से जुड़ो, नहीं जुड़े हो तो जरूर से जुड़ो, 24-25 की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको जरूर से जुड़ना चाहिए, कोड यूज करना है दैट इज SPLIV, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। देखो अनअकैडमी से जब आप जुड़ते हो तो देखो जितने भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सबकी लाइव क्लासेस होती है। एक साल के लिए अगर आप जुड़ोगे तो जितने ये सब्जेक्ट्स हैं सब आप एक्सेस कर सकते हो, आपको अलग से जुड़ना नहीं, जैसे नेटफ्लिक्स या कोई भी ऐसा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसको आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और सब कुछ देख सकते हो। इसी तरीके से एक साल दो साल का सब्सक्रिप्शन जब आप अनअकैडमी का लेते हो तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर पाते हो, और उसमें जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट, CSAT, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जरूर से जुड़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अभी 50% का ऑफ चल रहा है, इसका बेनिफिट आपको उठाना है, कोड याद रखना है दैट इज SPLIVE, इस कोड को आप यूज़ करना है। आज अभी फ्री क्लासेस चल रही है, अभी 11:30 बजे मैं एक क्लास आपको लूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की क्लास चल रही है, फ्री क्लास है, लिंक ग्रुप में डाल दूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो वो आज 5वीं क्लास है, प्लस गवर्नेंस इन इंडिया की जो एक किताब है एम लक्ष्मीकांत की वो भी क्लास चल रही है, उसकी भी आज 5वीं क्लास होगी, 4 बजे होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग को करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ARC रिपोर्ट में मैंने कौन कौन सी करा दी है, इथिक्स करा दी है, टेररिज्म वाली करा दी है, और अभी सोशल कैपिटल वाली आपको करवा रहा हूँ, ठीक है।
तो ध्यान रखना मेन सा क्वेश्चन देख लो, व्हाट इंपैक्ट एग्रीकल्चर ट्रांजिशन हैज ऑन लोकल बायोडायवर्सिटी, ये लिखो, बढ़िया सोच के लिखना पड़ेगा आपको। और इस सेशन का पीडीएफ आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जरूर से आप लोग चैनल जो है उसको तो जुड़ो ही, प्लस अपने आंसर भी वहीं पे पोस्ट करो, पीडीएफ भी वहीं से डाउनलोड करो। आज के लिए इतना ही, यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, सेशन को जरूर से लाइक करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।